हेलो दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं करण टेक्निकल टीवी चैनल को। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एचडीएफसी कस्टमर्स के लिए जो पहली बार अपनी नेट बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं या न्यू अकाउंट ओपन हुआ है वो अपनी नेट बैंकिंग को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपनी एचडीएफसी की नेट बैंकिंग को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें थर्ड पार्टी जो ट्रांजेक्शन होती है उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद अपने आप पेटीएम यूपीआई वगैरह को यूज कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पे जहाँ पे आपको मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो गाइस आपके पास यहाँ पे कस्टमर आईडी होना बहुत जरूरी है और आपके पास एटीएम होना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो आपको नेट बैंकिंग चलाना बहुत ईजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम अपने क्रोम को ओपन कर लेंगे जहाँ पे हमें लिखना होगा एचडीएफसी बैंक रजिस्ट्रेशन, एचडीएफसी नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। तो गाइस यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपने क्रोम पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट लिंक पे ओके कर देना है और यहाँ पे अपनी कस्टमर आईडी को डाल देना है। तो या जो आपकी बैंक की पासबुक पे दी होगी यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया होगा डिटो यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, मीन्स रिटर्न करना है। और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमें ओटीपी जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ओटीपी आपको फिल कर देना है। अगर आपका थोड़ा टाइम लग जाता है ओटीपी आने में तो आपको वेट करना होगा, यहाँ पे कैंसिल मत करना दोबारा से, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको ओटीपी आ जाएगा। और गाइस अगर आप पहली बार नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट है तभी आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका मिनिमम बैलेंस 2500 रुपये का अकाउंट खुला है तो आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड साथ में मिलेगा अकाउंट से। बहुत जल्द हम वीडियो भी डालेंगे कि आपको 5 मिनट में अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में फुल केवाईसी के साथ। तो हमें यहाँ पे ओटीपी रिसीव हो चुका है तो हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर देते हैं। तो ओटीपी फिल करने के बाद हमारी यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो हमारा जो डेबिट कार्ड का हमें यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और उसके नीचे एक्सपायरी डेट डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे अपनी एक्सपायरी डेट डाल देनी है जो हमारे कार्ड की एक्सपायरी डेट है। और अपने जो पासवर्ड रखना है नेट बैंकिंग का आपको यहाँ पे इंग्लिश के डिजिट रखने होंगे और अपने मैथमेटिक्स के 3 डिजिट रखने होंगे, ये कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पे डाल के कन्फर्म कर देना है और आपका जो पासवर्ड है क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी दोबारा आपको लॉगिन करनी होगी आईडी। तो सक्सेसफुली हमारी जो आईडी लॉगिन हो जाएगी क्योंकि हमारा पासवर्ड एग्जैक्टली करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी लॉगिन हो चुकी है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।